हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में GKGS सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास ला सकूं। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, तो जो भी बच्चे मैथ और रीजनिंग की क्लास करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी ब्लॉग। उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट चैनल पर पहुँच जाएंगे। चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग, ठीक है। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग के वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट चेक करिए और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए गाइस, आप लोगों की परीक्षाएं अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें आप लोग। 8 घंटे तक आपको पढ़ाई करना है, ये मान के चलिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। 8 घंटे से 1 घंटा कम ना ज्यादा, और हो सके ज्यादा से ज्यादा आप हमारा लाइव टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपको ही होगा। और इस बार दिन रात एक कर देना है, और इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चरक। अगला क्वेश्चन है गाइस, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नाम, चारवा, अलकनंदा, अंबाला। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंबाला। वीडियो को लाइक करते हुए सभी बच्चे चलें ज्यादा से ज्यादा। टारगेट आज का 200 लाइक का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अंगलीय तरल, लवणीय घोल, क्षारीय तरल, संरक्षक तरल। बताइए क्या आंसर होगा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंगलीय तरल होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सो गाइस, इसे कहा जाता है कोरोना किरीट। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है गाइस, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, असम। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है गाइस, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए हैं, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1955, 1954, 1956, 1958। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एग्रो बैक्टीरियम, ट्रिफ्यूमियंसेंसियस। ठीक है, दिष्ट धारा की आवृत्ति है 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। दिष्ट धारा की आवृत्ति है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका 0 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है गाइस, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, कृषि को, केवल फलों के पौधों को? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पौधों और पशुओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वी ए शिवा अद्यादुराई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्रेट्स। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमोनिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो भी बच्चे टी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्टिक आंग्ल। अगला क्वेश्चन है गाइस, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश सरकार। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है गाइस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं, मंत्रिमंडल सचिव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिनेबार डॉट 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 का एक अयस्क खनिज है, लेट, मैग्नीज, मोल्डिनियम, मरकरी। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मरकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? रूपा गांगुली, संगीता महापात्रा, सीमा विश्वास, सोनाली सिन्हा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सीमा विश्वास। अशोक किस राजवंश के राजा थे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक ये मौर्य वंश के राजा थे, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई की बात हो रही है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है गाइस, ऑय टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस।
देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है गाइस, लठ मार होली मनाई जाती है, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। लठ मार होली ये कहाँ मनाई जाती है? तो लठ मार होली जो है ये बरसाना में मनाई जाती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? प्रथम संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हाथखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। अगला क्वेश्चन है गाइस, कजली किस ऋतु का लोक गीत है? कजली किस ऋतु का लोक गीत है? बसंत, वर्षा, शीत, ग्रीष्म। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पुरातत्व तो संग्रहालय सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूमेर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। न्यूमेर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बताइए क्या आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है आप लोगों को। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, शुद्ध बर्तनी कौन सी होगी इसमें? पूजनीय। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द है जो उपयुक्त हो, लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो भैया मेरे जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट प्रत्यय की बात हो रही है, लास्ट वाला शब्द सजावट यानी कि आवट। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। यहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो लड़का पेड़ से गिरा तो यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चौराहा कौन सा समास है? संख्यावाचक शब्द ही है चौराहा, चौराहा ये संख्यावाचक शब्द है। जहां पर संख्यावाचक शब्द होता है वहां पर हो जाता है आपका द्विगु समास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तनय। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सलिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा कुसार्ग बुद्धि, प्रत्युनपति, मति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए शब्द क्या होगा? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, निर्गुण का संधि विच्छेद। अगर पूछा जाए कि निर्गुण में कौन सी संधि है तो निर्गुण में हो जाएगी विसर्ग संधि।
और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निर्धन गुण, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सभी बच्चे। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? कलश, कलश बताइए क्या आंसर होगा इसमें, तत्सम शब्द कौन सा होगा? कलश, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। शुद्ध वाक्य चुनना है आप लोगों को, इसमें ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। लोगों ने शोरगुल करके, यानी कि लोगों ने कर्म किया है, कर्म अच्छा किया है कि उन्होंने डाकुओं को भगा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, योगिक शब्द, निरर्थक शब्द। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार ये योगिक शब्द है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का ऐसे अजाय बघर शब्द है, देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अजाय बघर शब्द है, तो अजाय बघर शब्द है शंकर शब्द। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। दुस्साहस का उपसर्ग क्या होगा? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दुस। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करें, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ओनली आपके पास इस महीने में, आज तारीख हो गई है 17, ठीक है, जनवरी में आपके पास मुश्किल से मेरे ख्याल में 15 से 16 दिन बचे हैं, 16-17 दिन मान लीजिए फिलहाल, 16-17 दिन ये, और अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी से पढ़ाई पर 8 घंटे दे दिए तो मैं गारंटी देता हूँ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट लाता हूं, ऑनलाइन टेस्ट लाता हूं, टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। मैं पहले ही बता देता हूं, जो भी मैं आप लोगों से लाइव टेस्ट लेता हूं, देखिए पहला लाइव टेस्ट होता है दोपहर 12 बजे, ठीक है, दूसरा जो आपका लाइव टेस्ट होता है रात के 8 बजे। अगर आप लोगों ने हमारी दोनों क्लासेज ज्वाइन कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ जीके जीएस और हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और अगर आप, मैं तो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है, मैंने आपको बताया है स्टडी ब्लॉग, उस चैनल पर मैं तो रीजनिंग केवल और केवल मैं तो रीजनिंग के वीडियो डाले जा रहे हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए। स्टार्टिंग का शब्द अभी, शाप, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, तो हो जाएगा अभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथा शीघ्र में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधार, तत्पुरुष। यथा शीघ्र शब्द का समास बताइए, तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप बता सकें। अगला क्वेश्चन है गाइस, महात्मा गांधी में अमूल गुण थे, इस वाक्य में अमूल शब्द है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हवा धीरे धीरे बह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में योग ऋण शब्द चुनना है आपको, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नयन। योग ऋण शब्द कौन सा इसमें होगा? जो
जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं चक्रपाणि, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो यहां पर वाक्य में रेखांकित शब्द हो जाएगा संयोजक। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तिरस्कार सूचक अव्यय है, तिरस्कार सूचक अव्यय है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तिरस्कार सूचक अव्यय है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छी, अगला क्वेश्चन है गाइस, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो ये किस प्रकार की क्रिया है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये यहां पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वाक् संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है, सर्वनाम, नाम पद, काल, अव्यय। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, काल। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्राण शब्द वचन में प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, दोनों में बहुवचन। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज राइट, बहुवचन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपर ग्रह, बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, प्रहार, परिहार, बताइए क्या आंसर होगा। मारना, त्यागना, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कृतवाच में लिखिए। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो ऑप्शन बी जो है आपका तो सही हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, राम खाना खाएगा, इस वाक का कर्मवाच्य रूप है, राम से खाना खाया जाएगा, राम खाना खाता है, राम से खाना खाई जाती है, राम खाना खाया, तो बताइए इस वाक का कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राम से खाना खाया जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का, यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग हमारा चैनल, नया चैनल, इस चैनल पर आपको देखिए मैथ और रीजनिंग, केवल और केवल मैथ और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। तो हमारे नए चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और उस लिंक पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट चैनल में पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत।